हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर 5 जगह की इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तो सरल रेखा में दोस्तों, इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूला आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको फार्मूला नहीं ज्ञात है तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो सबसे पहले इसके फार्मूले को जानेंगे और क्वेश्चन कैसे पूछता है और कैसे हमको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको क्वेश्चन होता है कि सरल रेखा कहते किसको है, स्ट्रेट लाइन कहते किसको है। किसी भी वक्र पर दो बिंदु ऐसे हैं जिनको मिलाने वाली रेखा, जिनको मिलाने वाली प्रत्येक बिंदु इस रेखा पर हो, मान लीजिए ये है या बी है, इसको क्या कहते हैं, सरल रेखा। मान लीजिए यह कोई आपका वक्र है तो यह आपका त्रिज्या आर है, यह पॉइंट आपका फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है, यह पॉइंट आपका बी है, यह बी मूविंग पॉइंट है, तो यह डिस्टेंस आपका फिक्स रहेगा कहीं भी। अगर आप यहां पर मिलाते हैं, यहां पर मिला, यहां पर मिला, यहां पर मिला, यहां पर मिला, ओके। तो मूविंग पॉइंट आपका क्या है, मूविंग पॉइंट आपका बी है। तो बी से अगर स्टेट ऐसे लेके जाते हैं आप अगर, तो हमेशा आपका निश्चित दूरी क्या तय करेगा, आर की डिस्टेंस के अनुसार ही हर एक पॉइंट इसका होगा, हर एक पॉइंट इसका क्या होगा, आर के डिस्टेंस की, यानी यह क्या होगा, फिक्स होगा, और इसका हर एक बिंदु आपका इसी वक्र पर पड़ेगा। तो इसको क्या कहते हैं, सरल रेखा। अब बता दें दोस्तों, प्रवणता आपको क्या होता है, प्रवणता बराबर आपका, प्रवणता को एम से डिनोट करते हैं, प्रवणता बराबर आपका होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। प्रवणता भी क्या होता है, y2 माइनस y1 और अपान x2 माइनस x1। और अगर आपका एक बिंदु दिया है, मान लीजिए यह पॉइंट आपका दे दिया है x1 y1, तब आपका रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। क्या आप बोले दोस्तों, अगर आपको एक बिंदु दिया है x1 y1, तो आपका रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, जहां पर m बराबर क्या है आपका, m बराबर y2 माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1 है, या आपका m का वैल्यू दिया रहेगा, m बराबर आपका क्या होता है, m बराबर आपका tan थीटा भी होता है। अगर दो बिंदु आपका x1 और y1, x2 और y2 दिया है, तब आपका रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, x माइनस x1, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अब यहां पर डिफरेंस देखिए, डिफरेंस आपका यह है कि अगर मान लीजिए आपका दो बिंदु दिया है x1 y1 x2 y2, तब आपका रेखा का समीकरण अगर लगाएंगे तो m की यहां क्या लेना है, y2 minus y1 upon x2 minus x1, यानी m का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y2 minus y1 upon x2 minus x1। अगर एक बिंदु दिया रहे x1 y1, तब आपको m की वैल्यू निकालने के लिए m बराबर आपका क्या होता है, tan थीटा से निकलेगा, यह आपका रेखा की प्रवणता m आपका दिया रहेगा, ओके। अब अगला है आपका यह चतुर्थांश आपका होता है, यह क्या है y, यह क्या है y डैश, यह क्या है आपका x, यह क्या है आपका x डैश। तो पिछली कक्षा में दोस्तों हम इसको डिटेल में बता चुके हैं समकोणीय कार्तीय निर्देशांक में कि y का वैल्यू ऊपर आपका क्या होता है प्लस और नीचे जाने पर क्या होता है माइनस, ठीक उसी प्रकार से राइट हैंड साइड में आपका x का वैल्यू क्या होता है प्लस और लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू क्या होता है माइनस में। तो x अक्ष के समांतर आपका अगर कोई रेखा खींचते हैं जिसका डिस्टेंस क्या हो b, और y अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा आप खींचते हैं जिसका डिस्टेंस आपका क्या हो a, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर आपका क्या होता है a, और x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर क्या होता है आपका b। क्यों, x अक्ष के समांतर यानी यह आपका क्या है x अक्ष, तो इसी के समांतर यह क्या है b है,
जो रेखा खींचे है तो आपका किसका क्या है एक्स अक्ष के समांतर, तो वाई बराबर क्या आ जाता है बी। क्या लिखेंगे एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। ठीक उसी प्रकार आपका वाई अक्ष के समांतर क्या क्या है आपका वाई अक्ष, तो वाई अक्ष के समांतर यह रेखा है किस डिस्टेंस पर ए डिस्टेंस पर, तो वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण आपका एक्स बराबर क्या हो जाता है ए हो जाता है। इससे दोस्तों आपका यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो आगे हम आपको बताते हैं कि अंतखंड क्या होता है। यह आपका चतुर्थांश होता है या वाई डैश या क्या है एक्स या क्या है एक्स डैश। तो अंतखंड पर काटे गए रेखा का समीकरण क्या होता है अंतखंड और पाइथी या आपका ए हो या बी हो, तो धनात्मक अक्षों पर तो आपका धनात्मक अक्ष वाई है या क्या है एक्स, इस पर काटे गए रेखा का समीकरण आपको क्या होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर एक। फिर से बात उसको समझिएगा, धनात्मक अक्षो यानी यह धनात्मक अक्ष है आपका यह डिस्टेंस बी या क्या है आपका ए, पर काटे गए अंतःखंड रेखा का समीकरण क्या होता है यक्ष अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर एक होता है। अब हम लंब रूप आपको बताते हैं, लंब रूप आपको क्या होता है यह आपका चतुर्थांश है यह कोई आपका रेखा हो यक्ष अक्ष पर और वाई अक्ष पर, यह वाई डैश है या यक्ष डैश है, यक्ष अक्ष पर आपकी कोई रेखा और लंबवत एक रेखा आपका पी है और जिसका कोण अल्फा होता है आपका लंब रेखा का समीकरण आपको क्या आ जाता है यक्ष कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर क्या आ जाता है पी। लंब रेखा का समीकरण आपको क्या आ जाता है यक्ष कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। कब, जब आपकी कोई धनात्मक अक्षों पर काटी गई रेखा और या आपका लंबवत मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई आप क्या हो पी हो, मूल बिंदु से लंब की लंबाई आप क्या हो पी हो, कहां पर इस काटे गए रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई अगर पी हो और कोण अल्फा हो तब आपका लंब रेखा का समीकरण एक्स का अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी होता है। ओके, इसको नोट कर लिया दोस्तों, आगे आपको क्वेश्चन करते वक्त इस फॉर्मूले का उपयोग होगा। अगर आया आपका समांतर रेखा का समीकरण, यदि कोई रेखा आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो तो समांतर रेखा का समीकरण आपका क्या आ जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा बराबर जीरो। यही आपको कोई रेखा दिया रहे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी तो आपका लंब रेखा का समीकरण क्या हो जाता है, लंब रेखा का समीकरण आपका बी एक्स प्लस ए वाई बी एक्स प्लस ए वाई प्लस लैम्डा बराबर क्या हो जाता है जीरो। इसी तरह समझिए दोस्तों, यदि आपको कोई रेखा दे दी गई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो तो उसके समांतर रेखा का समीकरण आपका क्या होगा, मान लीजिए ये कोई रेखा है आपका तो इसी के समांतर रेखा का समीकरण आपका क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा। यदि आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आपका एक रेखा दे दिया इसके लंब रेखा का समीकरण आपका क्या होगा, लंब रेखा का समीकरण आपका बी एक्स प्लस ए वाई प्लस लैम्डा बराबर जीरो होगा। ओके, अगला है आपका एक बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी, मान लीजिए वह बिंदु आपका क्या हो एक्स वन वाई वन है और रेखा आपका क्या हो बिंदु आपका क्या है एक्स वन वाई वन और रेखा आपका क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो आपकी मूल बिंदु एक्स वन वाई वन से
रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की लंबवत दूरी आपकी क्या हो जाएगी, मान में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर यही आपका बिंदु क्या हो, मूल बिंदु हो, यानी कि क्या हो, जीरो कामा जीरो से रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो की लंबवत दूरी आपका क्या हो जाएगा, मान में सी अपान कर्णी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु में आपका यक्स बराबर क्या होता है, जीरो, और वाई बराबर क्या होता है, जीरो। मान लीजिए आपका चतुर्थांश है तो मूल बिंदु आपका क्या होता है, जीरो कमा जीरो, और रेखा की लंबवत ये आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो अगर यह रेखा हो, तब आपका लंबवत दूरी आपकी क्या हो जाएगी, क्योंकि मूल बिंदु है यक्स वन और वाई वन की वैल्यू अगर आप जीरो रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यह जीरो हो जाएगा, यानी सी अपान कड़ी में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो पहला आपका सभी फॉर्मूला क्या आया, अगर आपका बिंदु एक्स वन वाई वन है तो आपका रेखा की लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कड़ी में। अगर मूल बिंदु है यानी जीरो का मान जीरो से रेखा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो की लंबवत दूरी आपको क्या हो जाएगा, सी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी मान में। अब अगला हम आपको बताते हैं, दो सरल रेखाओं के बीच में अगर आपसे कोण पूछ दे, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण आप क्या होता है, अगर उनकी प्रवणताएं एम वन एम टू आपको दिया रहे, तो आपका कोण क्या आ जाता है, थीटा बराबर टेन इनवर्स यम वन माइनस यम टू अपान वन प्लस यम वन इंटू यम टू होता है। अगर दो रेखाओं की प्रवणता है आपको पता है यम वन और यम टू आपको, तब आपका कोण क्या होता है, दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा बराबर टेन इनवर्स यम वन माइनस यम टू अपान वन प्लस यम वन इंटू आपका होता है। अगर दो रेखाएं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो और दूसरी रेखा आपका ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो हो, तब आपका कोण क्या आया था, थीटा बराबर टेन इनवर्स बी टू ए वन माइनस ए टू बी वन अपान ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू होता है। फिर से बात समझ दोस्तों, अगर आपका प्रवणताएं दोनों रेखाओं को दिया रहे, तब आपका दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा बराबर टेन इनवर्स एम वन माइनस एम टू अपान वन प्लस एम वन एम टू होगा। अगर दो रेखाएं आपका ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो दिया हो, तब आपका दो रेखाओं के बीच का कोण का फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, टेन इनवर्स बी टू ए वन माइनस ए टू बी वन अपान ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू लगाएंगे। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल लगाते हैं कि आपका एक क्वेश्चन कैसे पूछता है। पहला एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे कह दे कि उस त्रिभुज ए बी भुजा का समीकरण ज्ञात करो जिसके कोणीय बिंदु के निर्देशांक ए आपका दिया है जीरो कामा एक और बी आपको दिया है दो कामा जीरो और सी आपको दिया है माइनस एक कामा माइनस दो, तब आपका ए बी का समीकरण क्या होगा। तो ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन आपका फॉर्मूला होता है। तो y माइनस वाई वन का वैल्यू आपका क्या होगा, ए बी के लिए या एक्स वन या वाई वन या क्या होगा एक्स टू या क्या होगा वाई टू। तो ए बी का हमको समीकरण निकालना है, तो y माइनस वाई वन, वाई वन का वैल्यू आपका क्या है एक बराबर y2 का वैल्यू आपका क्या है जीरो माइनस y1 का वैल्यू क्या है एक बटे x2 का वैल्यू आपका क्या है x2 का वैल्यू दो माइनस जीरो x1 का वैल्यू x माइनस x1 यानी कि जीरो।
तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, दो से अगर इधर गुणा करेंगे क्योंकि जीरो आपका जीरो हो जाएगा, दो से अगर गुणा करेंगे टू आई माइनस टू बराबर, या माइनस एक से अगर एक्स में गुणा करते हैं क्या हो जाएगा माइनस एक क्योंकि जीरो आपका जीरो हो जाएगा, या कर लीजिए टू वाई प्लस एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा दो, यही आपका क्या हो जाएगा समीकरण। ए बी रेखा का आपका समीकरण क्या हो जाएगा टू वाई प्लस एक्स बराबर टू। अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल कि बिंदु माइनस तीन कामा पांच एक कामा दो तथा पांच कामा माइनस एक मिलकर क्या बनाते हैं, तो इसको अगर आप ए मानते हैं इसको बी मानते हैं इसको सी माने, तो ए बी पर आपका क्या है सी है, तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी की माप आपका क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन से, तो ए बी के लिए वाई माइनस वाई वन का वैल्यू आपका क्या है पांच बराबर y2 का वैल्यू आपका क्या है y2 का वैल्यू आपका दो माइनस y1 का वैल्यू क्या है पांच बटे x2 का वैल्यू क्या है एक माइनस x1 का वैल्यू क्या है तीन x माइनस x1 का वैल्यू आपका क्या है तीन, तो आपको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यह आपका तीन एक चार हो जाएगा यानी चार वाई माइनस बीस बराबर यह आपका क्या जाएगा माइनस का तीन माइनस तीन एक्स माइनस नौ, तो चार वाई प्लस तीन एक्स माइनस बीस प्लस नौ बराबर क्या हो जाएगा जीरो, क्यों क्योंकि माइनस का तीन एक्स इधर आएगा प्लस हो जाएगा तीन एक्स हो जाएगा माइनस का नौ आपका लिफ्ट छान जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का नौ, या कर लीजिए फोर वाई प्लस तीन एक्स माइनस ग्यारह बराबर जीरो हो गया, क्योंकि इसी रेखा पर आप क्या है यह बिंदु सी है, तो एक्स की जगह आप पांच रखेंगे वाई की जगह आप क्या रखेंगे माइनस का एक, तो वाई की जगह आपका चार गुणे माइनस एक रखें प्लस तीन गुणे यक्स यानी कि तीन गुणे पांच माइनस ग्यारह बराबर जीरो, तो यह क्या हो गया आपका माइनस का चार, यह क्या हो जाएगा पांच या पंद्रह प्लस का पंद्रह माइनस ग्यारह बराबर जीरो, तो आप देख रहे हैं दोस्तों पंद्रह बराबर पंद्रह आपका आ गया कि नहीं आ गया, तो यह क्या हो गया आप कह सकते हैं कि एक ही रेखा पर है, क्यों क्योंकि अगर आप ऐड करेंगे माइनस का चार और माइनस का ग्यारह आपको क्या होगा पंद्रह, वो भी किसमें माइनस में, तो माइनस का पंद्रह लेफ्ट हैंड साइड में जब राइट हैंड साइड में जाएगा क्या प्लस का पंद्रह, और ऑलरेडी ये आपका प्लस का पंद्रह है तो दोनों साइड आपका बराबर हो गया, यानी आप कह सकते हैं क्या कि ये बिंदु क्या है एक ही रेखा में है, मान लीजिए यह है ए है या बी है तो यह सी है। ओके अब लेते हैं एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्नावली का आपका पहला क्वेश्चन, रेखा आठ एक्स प्लस चार वाई प्लस सोलह द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड का मान क्या है, तो अंतःखंड का मान हमने आपको क्या बताया दोस्तों एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर एक होता है, तो अंतःखंड का हमको मान निकालना है, तो यानी कि आपको इस समीकरण को किस फॉर्म में लाना है, इस समीकरण को आपको इस फॉर्म में लाना है तभी आप तुलना करके क्या निकाल पाएंगे ए और बी का वैल्यू निकाल पाएंगे, तो अगर आप इसके बराबर जीरो अगर आठ एक्स प्लस चार वाई सोलह को आप अगर राइट हैंड साइड में ले आए थे क्या आ जाएगा माइनस का सोलह, इस फॉर्म में बनाने के लिए अगर हम माइनस सोलह से टोटल में भाग दे दें तो आप क्या आ जाएगा यह आपका राइट हैंड साइड में एक आ जाएगा और एक्स और वाई भी आपको मिल जाएगा, तो दोनों पक्षों में माइनस सोलह से भाग देने पर आपका क्या हो जाएगा आठ एक्स बटे माइनस सोलह प्लस चार वाई बटे माइनस सोलह बराबर माइनस सोलह बटे क्या हो जाएगा माइनस का सोलह। ओके तो माइनस सोलह से माइनस सोलह आपका कट गया बचा क्या एक, क्यों क्योंकि माइनस से माइनस आपका कट गया सोलह से सोलह कट गया अब क्या हो जाएगा एक, आठ गुना सोलह हो जाएगा या क्या हो जाएगा चार चौके सोलह हो जाएगा, तो वैल्यू आपका क्या है माइनस का एक्स वाई टू क्योंकि बटे आपका के रूप में माइनस दो है तो आप यहां माइनस लिख सकते हैं, यह क्या है माइनस का आपका वाई बाई फोर बराबर क्या है एक,
यदि आप तुलना करते हैं किससे, यक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर वन से, तो आपको क्या मिलेगा, ए बराबर क्या मिलेगा माइनस दो और बी बराबर क्या मिलेगा आपका माइनस चार। क्यों, क्योंकि यक्स अपान क्या है ए, यहां पर यक्स अपान क्या है माइनस का दो है, ठीक उसी प्रकार वाई अपान माइनस का दो ये भी क्या है माइनस भी, वहां पर क्या है प्लस में, तो तुलना करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा ए बराबर माइनस दो और बी बराबर माइनस का चार, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, उस रेखा की प्रवणता जो बिंदु तीन का मा दो व माइनस तीन का मा माइनस दो को मिलाती है होगी, तो प्रवणता यम बराबर हमने क्या आपको बताया दोस्तों, प्रवणता यम बराबर आपका वाई टू माइनस वाई वन अपान यक्स टू माइनस एक्स वन आपका होता है, यह क्या है यक्स वन, यह क्या है वाई वन, यह क्या है यक्स टू, यह क्या है वाई टू, तो यम का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन यानी कि माइनस का दो माइनस वाई वन का वैल्यू क्या है आपका माइनस का दो बटे यक्स टू माइनस एक्स वन, यक्स टू का वैल्यू क्या है माइनस तीन, माइनस एक्स वन का वैल्यू क्या है माइनस तीन। क्यों, क्योंकि आपका ऑलरेडी फार्मूले में माइनस आपका है तो यहाँ माइनस आपका है ही, तो यहाँ प्लस का वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा माइनस, यहाँ भी क्या आएगा माइनस, तो ऊपर आपको क्या मिला माइनस का चार, नीचे आपको क्या मिला माइनस का चार, तो माइनस से माइनस कैंसिल, दो दूना चार दो तीन छह, प्रवणता आपको क्या मिला दो बटे तीन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, रेखा वाई माइनस एक्स प्लस फाइव बराबर जीरो, यक्ष अक्ष कोण बनाती है, यक्ष अक्ष आप सब कोण बनाए, सबसे पहले क्या करेंगे वाई बराबर एम एक्स से हम क्या करेंगे तुलना करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको यम की वैल्यू निकालना है, वो यम आपका प्रवणता बराबर किसके होता है टेन थीटा के, तो इसको यम इस फॉर्म में अगर लाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा वाई बराबर आपको क्या आ जाएगा माइनस का पांच प्लस का यक्स, या कर लीजिए वाई बराबर आपका यक्स माइनस पांच हो जाएगा, तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से अगर इसको तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यम बराबर क्या मिला एक, क्योंकि यक्स का गुणांक आपको क्या है एक है, और यहां पर एक्स का गुणांक क्या है आपका यम, तो यम का वैल्यू क्या मिला एक, तो यम बराबर आपका टेन थीटा होता है, टेन थीटा में एक का वैल्यू आपको क्या हो जाता है टेन पैंतालीस अंश का, यानी थीटा बराबर आपको क्या मिला पैंतालीस अंश, थीटा बराबर आपको क्या मिला पैंतालीस अंश, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर चार, सरल रेखा तीन एक्स प्लस चार वाई प्लस दस बराबर जीरो कि मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी, तो मूल बिंदु से दोस्तों आपको क्या होता है जीरो का मान, जीरो से आपका क्या पूछा है न्यूनतम दूरी किस रेखा की, या आपकी रेखा का अगर आपकी थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस टेन बराबर जीरो, तो हमें क्या होता है मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी आपकी क्या होती है सी अपान कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी का वैल्यू आपका क्या है दस बटे ए का वैल्यू आपका क्या है ए का वैल्यू आपका तीन क्या स्क्वायर करेंगे दो हो जाएगा प्लस B का वैल्यू चार इसका क्या आ जाएगा सोलह, यानी कि दस बटे आपको क्या आ जाएगा सोलह नौ पच्चीस बटे पांच, क्योंकि पच्चीस का आपका अगर आप इसको बाहर निकालेंगे तो आपको पांच बुढ़े पांच हो जाता है कड़ी में, तो पांच बुढ़े पांच आपका बाहर निकलेगा क्या आएगा पांच, फिर पांच गुना दस आपका क्या आ गया न्यूनतम दूरी दो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दो इकाई। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर पांच, सरल रेखा चार एक्स माइनस छह वाई प्लस बाईस बराबर जीरो तथा छह एक्स प्लस चार वाई माइनस बाईस बराबर जीरो है, पहला ऑप्शन दिया आपका परस्पर लंब, दूसरा दिया आपका समांतर, तीसरा दिया आपका चार का मत माइनस छह बिंदु पर काटते हैं आपका डी दिया इनमें से कोई नहीं, तो यह क्या है परस्पर लंबवत, क्यों, क्योंकि परस्पर लंबवत के लिए हमने दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था, अगर इसको आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से अगर इसे तुलना करते हैं तो ए का वैल्यू आपको क्या मिला है चार और बी का वैल्यू क्या मिला है माइनस का छह, सी का वैल्यू आपको क्या मिला है बाईस। ओके, परस्पर लंबवत होने के लिए आपको क्या फॉर्मूला होता है बी एक्स प्लस ए वाई प्लस लैम्डा बराबर जीरो, क्या होता है आपका बी एक्स प्लस ए वाई प्लस लैम्डा बराबर जीरो, तो बी का वैल्यू आपका क्या है चार सॉरी सॉरी बी का वैल्यू आपका क्या है माइनस का छह एक्स प्लस
ए का वैल्यू आपका क्या है 4 ए वाई प्लस लैम्डा का वैल्यू आपका क्या है 22, क्या है आपका 22 बराबर 0। तो आपका माइनस का 6x प्लस 4y प्लस 22 बराबर 0 है। अगर माइनस से टोटल में गुणा कर दिया क्या आता है 6x माइनस 4y माइनस 22 बराबर 0। यही फॉर्म तो यह है, इसी रूप में तो है आपका दिया। तो यहाँ क्या हो गया परस्पर लंबवत, परस्पर लंबवत के लिए आपको फार्मूला में तो क्या बताया था, अगर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो तो परस्पर लंबवत रेखा का समीकरण क्या होता है bx प्लस ay प्लस लैम्डा। यहाँ पर ax प्लस by प्लस c से अगर तुलना करेंगे तो आपका a का वैल्यू 4, b का वैल्यू माइनस 6, c का वैल्यू 22, जो कि यहाँ फार्मूले में आपका लैम्डा का वैल्यू क्या होता है c का ही वैल्यू क्या होता है 22, यहाँ पर c बराबर 22 है, यहाँ पर लैम्डा बराबर 22 है। तो आपका फॉर्मूला बी एक्स प्लस वाई प्लस लैम्डा होता है, यानी बी का वैल्यू क्या रखे हम माइनस का 6 और ए का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू क्या है 22। तो माइनस से टोटल में गुणा करने पर क्या हो जाएगा, या प्लस का माइनस हो जाएगा या माइनस का प्लस हो जाएगा, या माइनस का प्लस हो जाएगा या आपका प्लस का माइनस हो जाएगा या आपका प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी 6x माइनस 4y माइनस 22 बराबर 0। यही फॉर्म तो आपका यह है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आज दोस्तों हम क्या पढ़े, स्ट्रेट लाइन के यानी सरल रेखा के इंपॉर्टेंट फार्मूला, और क्या देखें इसके एग्जाम्पल और 5 क्वेश्चन। कल हम इसके दोस्तों पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पार्क सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और हाँ दोस्तों आपको बता दें कि हमारा मैथ का लगभग 96-97% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बचे हुए जो आपका चैप्टर है उसको जल्द ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसको कंप्लीट होने के बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।